थाना दरगाह में विगत 2/3 की रात को फरीद सन ऑफ खलील अहमद, जो कि गुड़गांव में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और अपनी शादी के लिए यहां पे आए हुए थे और एक हफ्ता पहले उनकी शादी हुई थी, धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के संबंध में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से जो महिला है वो इनकी ही पत्नी है, जिनसे एक हफ्ता पहले शादी हुई थी। उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले 28 तारीख को घर की रेकी करवाई और फिर 2/3 की रात को बहाने से बुलवाकर धारदार हथियार से इनकी हत्या कारित कर दी। इनकी जो पत्नी है उम्मे सलमा है, इसका इरफान नाम के व्यक्ति के साथ पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये उसी से शादी करना चाहती थी। घर वालों के दबाव में इनके द्वारा फरीद से जो शादी की गई, उसी समय से इन्होंने प्लानिंग की थी उसको उसकी हत्या करने की, जिसमें ये 2/3 की रात को कारित किया गया। पुलिस ने इसका सफल अनावरण करते हुए सभी को अरेस्ट कर लिया है और आला कत्ल जो है बरामद। हत्या के खुलासे में क्या किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई जो इतनी जल्दी रिकॉर्ड समय में खुलासा हो सका है और सफल? बेसिकली जो इसमें अभियुक्त है उनकी मूवमेंट लगातार ट्रैक की गई कि उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन इनकी मूवमेंट क्या थी और 28 तारीख को क्या थी, तो सर्वेलेंस और CCTV के माध्यम से इनकी मूवमेंट ऐसे समय पर वहाँ पर पाई गई जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें इस घटना का अनावरण करने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई।